जय शंकर। प्रिय दर्शकों, मैं स्वामी राजर्षि स्वागत करता हूं आप सभी का नवंबर 2024 की मासिक राशिफल की वीडियो सीरीज में, जहां आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर यानी कि केप्रिकॉन राशि के जातकों के बारे में। प्रिय दर्शकों, नवंबर 2024 के अंदर हम हिंदुओं के बहुत से प्रमुख त्योहार पड़ने वाले हैं, जिसमें दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा सभी शामिल हैं। मैं इन सभी की आपको अनेकों अनेक शुभकामनाएं देता हूं। प्रिय दर्शकों, मेरा ये जो वीडियो है उन सभी लोगों के लिए है जिनकी चंद्र राशि, लग्न राशि या नाम राशि मकर है। उन सभी लोगों को अंत तक मेरे इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, अगर जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप उसका निशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट एस्ट्रोलॉजी से फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए #AskSwamiji, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी परेशानी, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रहा है वैसे ही अपनी सारी डिटेल्स मुझे लिखकर भेजिए। बहुत जल्द आपकी परेशानियों का समाधान बताते हुए एक वीडियो इसी चैनल पर डालूंगा, जिसमें ऐसे उपाय बताऊंगा जो बड़ी आराम से अपना करके आप 2 से 3 महीनों में अपनी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। बात कर रहा था मकर राशि के जातकों के बारे में। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2024 में बुध देवता का एकादश भाव में गोचर करना, शनि देव जी का द्वितीय भाव में वक्री होकर विराजमान होना, सूर्य देवता का दशम भाव में और शुक्र देवता का द्वादश भाव में विराजमान होना सबसे खास यहां पर साबित होने वाला है, जो मुख्य रूप से नवंबर के 2024 के महीने को आपके लिए शेप देने वाला है, दिशा देने वाला साबित होगा। क्या होगा प्रभाव आपके जीवन पर, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप सभी के सामने मकर राशि की कुंडली को स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहा हूं। तो पहले भाव के अंदर हमारे चंद्रमा देवता विराजमान है, दूसरे भाव में शनि देव जी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तीसरे भाव में राहु देवता विराजमान है, तो चौथा भाव मुख्य ग्रहों से वंचित है, पंचम भाव के अंदर देव गुरु बृहस्पति यहां पर वक्री होकर विराजमान है, छठा भाव खाली है, सातवें भाव में मंगल देवता अपनी नीच राशि के अंदर इस समय पर गोचर कर रहे हैं। ध्यान रखना ये आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके जीवन साथी और आपके पब्लिक परसेप्शन से रिलेटेड भाव है, यहां पर इस समय पर मंगल देवता का गोचर हो रहा है, तो एक बड़ा प्रभाव मंगल देवता का पड़ने वाला है। अष्टम भाव मुख्य ग्रहों से वंचित है, नवम में केतु है, दशम में सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि के अंदर इस समय पर गोचर कर रहे हैं, एकादश में बुध देवता है और द्वादश के अंदर शुक्र देवता इस समय पर विराजमान दिखाई दे रहे हैं। अब इसी के आधार पर मैं आगे का राशिफल आपको बताऊंगा, जिसे अपने 7 वर्षों से भी अधिक के वैदिक ज्योतिष के अनुभव के आधार पर, जो मैंने हजारों लाखों कुंडलियों का विश्लेषण किया है उसके आधार पर, और इसकी जो प्रेरणा है वो मेरे इष्ट देव भगवान शनिदेव से मुझे प्राप्त होती है, इसका जो ज्ञान है मुझे अपने गुरु गुरु रजनीश ऋषि जी से प्राप्त हुआ है, इन सभी के आशीर्वाद मार्गदर्शन में मैं आज के इस राशिफल के वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले उन क्षेत्रों की बात करूंगा जो मकर राशि के लिए अच्छे नजर आ रहे हैं। तो बुध देवता का एकादश भाव में विराजमान होना निश्चित रूप से भाग्य और इनकम दोनों के लिए अच्छी स्थिति को दर्शा रहा है। इस समय पर यात्रा करना शुभ रहेगा, आपकी यात्राएं सफल होंगी और साथ साथ इनकम की दृष्टि से एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है, अच्छी इनकम होने की संभावना नजर आ रही है। इसके साथ साथ मुझे ये भी नजर आ रहा है कि हमारे बुध देवता के आशीर्वाद से आपके भाग्य को भी इस समय पर मजबूती मिल रही है। भाग्य यानी आपका जो लक है वो आपका साथ देगा, कुछ छोटी मोटी गलती भी आपसे अगर हो जाएगी तो उसका आपका लक जो है वो इस समय पर कवर अप कर लेगा। तो इस लिहाज से मुझे जो समय है वो आप सभी लोगों के लिए अच्छा नजर आ रहा है। साथ साथ कोई शुभ सूचना आपके छोटे भाई की ओर से सुनाई दे सकती है, हो सकता है छोटे भाई का समाज में इस समय पर कद बढ़ जाए या फिर अपनी कंपनी में कोई प्रमोशन मिल जाए, नौकरी की तलाश कर रहे थे तो वो मिल जाए, या फिर ऐसी ही कोई उनके स्टेटस से रिलेटेड बात है जो इस समय पर बहुत एक अच्छी खुशखबरी के रूप में आपको मिलने वाली है, जो आपको गदगद कर देगी, आपको प्राउड फील कराएगी।
तो राहु और इसके साथ साथ बुध देवता भी यही दर्शा रहे हैं कि चाहे भाई बड़ा हो, छोटा हो, बहन बड़ी हो या छोटी हो, कहीं ना कहीं वहां से एक शुभ सूचना निश्चित रूप से आपको जरूर प्राप्त होगी। तो इस लिहाज से मुझे ये महीना आप लोगों के लिए खास नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, अगर जीवन में कोई भी परेशानी का आप सामना कर रहे हैं तो उसका समाधान जो है वो वैदिक ज्योतिष से संभव है। हमारे शनिपीठ मंदिर में 133 देशों से भक्तगण आते हैं और उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव वैदिक ज्योतिष के उपाय करने से उन्हें मिले हैं। हमारे शनिपीठ मंदिर में जब कभी आप कदम रखेंगे, जब कभी आप आएंगे, तो आपको सबसे पहले हमारे इष्ट देव भगवान शनिदेव, माता महालक्ष्मी, विष्णु जी और समस्त नवग्रह देवताओं के आपको दर्शन होंगे। और उसके बाद जब आपकी हमसे मुलाकात होगी तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली का विश्लेषण करके ऐसे उपाय हम आपको जरूर देंगे जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आ सके। इसका जो प्रमाण है वो हमारे YouTube चैनल पर पड़े हुए हमारे भक्त गणों के वीडियोस हैं, जिनमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जहां उन्होंने बताया है कि कैसे हमसे मिलने के बाद, हमारे शनिपीठ मंदिर में हमारे शनिदेव जी का दर्शन करने के बाद उनके जीवन में आ रहे बड़े बड़े कष्ट दूर हो गए, किसी के कर्जे उतर गए तो किसी का अपना घर बन गया, जिसके शादी विवाह में विलंब आ रहा था वो दूर हो गया, जिसको संतान प्राप्ति में कठिनाई आ रही थी वो भी सब परेशानियां दूर हो गई। तो ऐसी किसी भी परेशानी का अगर आप सामना कर रहे हैं तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे जरूर कराएं। इसके लिए आप मेरा पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। लिंक मेरे पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करने का आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी आपकी सुविधा के लिए दिया हुआ है। चलिए वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं। बात कर रहा था मकर राशि के जातकों के बारे में, तो यहां मकर राशि वालों को नवंबर 2024 में अशुभ घटनाओं का ज्यादा सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनके ग्रह इस समय पर मुझे फेवरेबल नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा यहां पर आपके काम धंधों के बारे में, तो काम धंधे आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके पैसों को पी जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सिर्फ इन्वेस्टमेंट लगे जा रहा है, पैसा आपका लगे जा रहा है, रिटर्न नहीं आ रही है, उल्टा पैसा फंस जा रहा है। चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में हो या अन्य कोई भी व्यापार क्यों ना करते हो, कोई ना कोई जो अड़चन है यहां पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। सूर्य देवता सपोर्टिव नहीं है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होने की वजह से भी आपके बिजनेस पर बुरा असर इस समय पर पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको अपना काम करने के लिए कोई एनओसी चाहिए, कोई परमिट चाहिए, और वो परमिट की जो फाइल है या जो परमिट की जो एप्लीकेशन है वो पास ही नहीं हो रही है, छोटी छोटी बातें अटके जा रही हैं, कभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, कभी कोई और अड़चन की वजह से फाइल रिजेक्ट हो जा रही है, कभी अफसर ही अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी परेशानियों का लगातार सामना यहां पर मकर राशि के जातकों को करना पड़ सकता है। काम धंधे बहुत बड़ी चिंता फिक्र का विषय यहाँ पर बन सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे नजर आ रहा है बच्चों जिनकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय पर पढ़ाई का कुछ ना कुछ नुकसान होते हुए नजर आ रहा है, ध्यान इधर उधर भटक रहा है, ध्यान पढ़ाई पर नहीं लग पा रहा है। कुछ इसमें जो योगदान है वो इन त्योहारों का भी है, फेस्टिवल्स का भी है, जहां पर उनका मिलना जुलना बढ़ गया है, लोगों के साथ घूमना फिरना बढ़ गया है, घर में चहल पहल बढ़ गई है, जिस वजह से पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो पढ़ाई का कुछ नुकसान इस समय पर बच्चों को होता हुआ नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से समय अच्छा नजर नहीं आ रहा है, वहां पर भी नुकसान दिखाई दे रहा है। शनि देव जी बिल्कुल वक्री होकर जीरो बल लिए हुए हैं अष्टक वर्ग में द्वितीय भाव के अंदर, तो निश्चित रूप से यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो समय बिल्कुल भी अच्छा नजर नहीं आ रहा है, अच्छा खासा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी या लैंड कहीं पर परचेस करने जा रहे थे उसमें भी अड़चनें आती हुई नजर आ रही हैं, कागज फंस जा रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम आ जा रही है, फंड्स की प्रॉब्लम आ रही है या फिर पार्टी ही सामने से मुकर जा रही है, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समाज में आपका जो परसेप्शन है वो भी थोड़ा यहाँ पर खराब हो रहा है। शायद हो सकता है आपका एग्रेशन इस समय पर बहुत ज्यादा चरम पर है, या अगर एग्रेशन नहीं भी है आपका तो भी लोग पता नहीं क्यों आपको ऐसा समझते हैं कि आप बड़े झगड़ालू स्वभाव के हैं या बहुत ज्यादा वॉयलेंट स्वभाव के हैं, और वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपसे मिलना जुलना नहीं चाह रहे हैं, आपसे दूरियां इस समय पर मेंटेन कर रहे हैं, और इस बात को आपको समझने में भी कठिनाई हो रही है।
स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखूं तो समय बिल्कुल भी मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा है। पेट से संबंधित, घुटनों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी है यहाँ पर आपको वो घेरे हुई है, और बिल्कुल भी हेल्थ वाइज आप अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। तो ये वो सारी घटनाएं हैं जो मकर राशि के जातकों के साथ यह नवंबर 2024 में मुझे घटित होती हुई नजर आ रही हैं। अपने इष्ट देव भगवान शनिदेव से प्रार्थना करूंगा कि आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें, उनके प्रभाव से सभी अशुभ फल दूर हों। फिर भी अगर जीवन में समस्याओं का लगातार सामना कर रहे हैं, कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे शनिपीठ मंदिर में आकर मुझसे जरूर कराइएगा, मैं आपको समाधान देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। हमारे शनिपीठ मंदिर ने बहुत सारे भक्तगणों की परेशानियां दूर की हैं, और आगे भी ऐसे ही हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, वो आपकी परेशानियों को दूर करना ही बना हुआ है। यही लक्ष्य लेकर हम किसी से भी बात करते हैं। तो आशा करता हूं जल्द से जल्द आप मुझसे मुलाकात जरूर करेंगे। लिंक आपके सामने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में सुविधा के लिए दिया हुआ है, उसका पूरा पूरा फायदा जरूर है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरा दैनिक राशिफल फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो रोज आपको दैनिक राशिफल मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको अन्य राशियों का मासिक राशिफल देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो सभी 12 राशियों का राशिफल मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा। उस पर क्लिक करके आप बाकी लोगों का राशिफल भी देख सकते हैं, अपने परिवारजनों का, रिश्तेदारों का, बच्चों का, वाइफ का, माता पिता का, खुद का, और जिसका भी आप राशिफल देखना चाहते हैं राशि के अनुसार आप उसे वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट कुछ दिनों में से मैं बहुत परेशान थी, मेरी एक प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही थी। अचानक बैठते बैठते मैंने देखा कि यूट्यूब में कुछ वीडियो सर्च कर रही थी और कुछ तो उपाय मिले कि मेरी प्रॉपर्टी सेल हो जाए। उसके वजह से मेरे बहुत सारे काम अटके हुए थे। सडनली मैंने गुरु जी की वीडियो देखी, बहुत सारे वीडियो देखे, और देखने के बाद मैंने उनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उनकी अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात हो गई। उनसे बात करने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की, उन्होंने बहुत शांति से मेरी बात सुनी और शांति से मेरे हर एक प्रॉब्लम का उन्होंने सॉल्यूशन दिया। और अब बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो सारे उपाय भी किए, और जिस दिन मैंने ये उपाय किए उसी दिन मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आया। उसी दिन आफ्टरनून में मुझे मेरे घर के लिए कस्टमर आने स्टार्ट हो गए। उसी दिन शाम को मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ मिली, जिस न्यूज़ का हम बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। और आपसे मैं कहती हूँ, मैंने एस्ट्रोलॉजी पे कभी बिलीव नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, और मेरा आत्मविश्वास था कि कुछ तो हो जाएगा। कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हुआ। आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय शनिदेव।